हेलो लवली फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस माय यूट्यूब चैनल मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ विशेष और एडिशनल बातें प्रिय दर्शकों आज हम आपकी कुंडली के तृतीय भाव में जी हां लग्न कुंडली के तीसरे भाव में केतु इन थर्ड हाउस की प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे जी आ, आप पुरुष हैं अथवा नारी हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव में केतु बैठ करके क्या क्या शुभ परिणाम क्या शुभ फल क्या अशुभ फल या दोनों मिश्रित रूप से किस प्रकार से दे सकता है इसके बारे में हमारी हम सारी जानकारी आपको देंगे तो आपको वीडियो पर बना रहना पड़ेगा और साथ में आपको चाहिए कि आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आने वाली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन जो कि नई और भी वीडियोस अपलोड होंगी हमारे चैनल पर उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके समय समय पर तो चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस पॉइंट को इस सेशन को श्री राम जय 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 राम जय राम दर्शकों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि तृतीय भाव लग्न कुंडली के तीसरे भाव में जब केतु होते हैं तो यहाँ पर क्या शुभ और अशुभ फल देखने को जीवन में मिल सकते हैं इसके बारे में हम वार्तालाप करते हैं चर्चा करते हैं और शास्त्र ज्योतिष शास्त्र धर्मशास्त्र के अनुसार जानते हैं कि शास्त्र तीसरे केतु के बारे में क्या क्या शुभ और अशुभ फलों को जीवन में देता है तो आइए जानते हैं शिखी विक्रमे शत्रुनाशम विवादे वर्गनाशम सदा बहुपीडा चित्ता कुलत्व विधत्ते दोस्तों तृतीय स्थान में केतु हो तो विवाद करने वाले शत्रुओं का नाश करता है केतु थर्ड हाउस में बैठ करके आपके आपके जीवन में विवाद बहुत सारे होते हैं लेकिन केतु तीसरे भाव में बैठ करके और खासकर यदि धनु राशिगत नाइन राशिगत यदि बैठा हो केतु तीसरे घर में तो निश्चित रूप से जो भी विवाद आपके जीवन में आते हैं किसी तरह का कोई भय है या शत्रुओं द्वारा कोई आप पर चाल चलाई गई है या शत्रुओं के द्वारा कोई आपको नाश करने वाला है तो उन सारे व्यवधानों में व्यवधान डालने वाला होता है केतु और उनके व्यवधानों में व्यवधान डाल के आपको हमेशा और हमेशा सुरक्षित रखेगा धन का लाभ आपके जीवन में होगा धन की कोई कमी नहीं होगी अनेक प्रकार के जो भोग और विलास हैं वो आपके जीवन में आप परिपूर्ण तरीके से भोग पाएंगे ऐश्वर्य आपके नाम का नेम और फेम आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा जीवन भर और प्रताप की वृद्धि करने वाला तथा मित्रों की हानि करता है मित्रों के लिए भी काफी कष्टदायक यहाँ पर बनता है क्योंकि मित्र केतु में केतु तृतीय भाव में होकर के आपके मित्रों को आपके द्वारा कोई लाभ नहीं होता लेकिन आपके प्रताप और आपकी शक्ति की बातें लोग बहुत करेंगे प्रताप आपका प्रताप में आपकी वृद्धि होते रहेंगे अपने आपकी एक भुजा में या फिर हाथों में कोई कष्ट रह सकता है कोई दर्द रह सकता है इस तरह की वार्ता और इस तरह का फल केतु देता है आपको भय और उद्वेग से सदा व्याकुल व्यक्ति इसमें रहता है हालांकि आपका केतु तीसरे भाव में होकर के आपके शत्रुओं को का विनाश करता है तित्र वितर कर देता है शत्रुओं को आप पर हानि नहीं पहुंचाने देता लेकिन फिर भी आपके मन में चिंता द्वेष और व्याकुलता हमेशा बनी रहती है कि कहीं कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए कहीं वो ना हो जाए इस टेंशन में आप ज़्यादा रहेंगे इस तरह के मिले जुले परिणाम जो है केतु तीसरे भाव में बैठ करके आपको हमेशा देता रहेगा लेकिन दोस्तों आपको बलवान शक्तिशाली भी बनाता है केतु और आपको दान पुण्य जैसे कार्यों में हमेशा आगे करने वाला केतु है आपसे बहुत सारे पुण्य कर्म दान कर्म और लोगों का परोपकार और दया शीलता ये सब जो है आपको देगा आ, केतु पुरुषों की अच्छे पुरुषों की और दानी पुरुषों की संगति आपको हमेशा देगा बलशाली आपको बनाएगा धनवान आपको जीवन में बनाएगा आप यशस्वी मनस्वी तपस्वी और अच्छे पद पर आप आसीन रहेंगे दोस्तों यही आपके नेम और फेम को बढ़ाने वाला केतु होता है स्त्री का सुख हो पुरुष का सुख हो आपके जीवन में खान पान सुख वैभव ऐश्वर्य ये सारी चीज़ें खूब आपके जीवन में मिलेंगी आप शत्रुओं का दमन करने वाले यहाँ पर होंगे और तो अपने शत्रु आपके आपसे भयभीत रहेंगे इस भाव में स्थित केतु के कुछ अशुभ फल कहे गए हैं इस कारण आप कुछ व्यर्थ की चिंताओं में भी ज़्यादा घिरे रहेंगे और अनजाने व्यक्ति से हमेशा आपको कोई ना कोई भय बना रहेगा कभी चित्त में भ्रमता आपकी हो सकती है विकला आप रह सकते हैं किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से जस्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको चिंता के रूप में आपको ये लगेगा कि इससे नुकसान हो सकता है उससे नुकसान हो सकता है इसलिए ऐसी व्याकुलता न जाने बेचैनी आपके मन में रहेगी आपका विश्वास ज़्यादातर भूत और प्रेतों में बना रहेगा उतना विश्वास आपका भगवान में या देवताओं के प्रति नहीं रहेगा लेकिन भूत और प्रेतों से संबंधित नेगेटिव एनर्जी ये आपके जीवन में रहेगी क्योंकि केतु जो है यहाँ पर इस तरह के तीसरे भाव से संबंधित आपका स्वभाव डरपोक बना देता है और आप भूत प्रेतों को देवताओं की संज्ञा दे दे करके अपने मन को समझाने वाले होंगे किसी भी कारणवश सामाजिक भय आपके अंदर रहेगा भाइयों से कष्ट मित्रों से कष्ट आपको मिलेगा अपने परिवार से कुछ अच्छी मदद नहीं मिल पाएगी कुछ हद तक प्रभावित आपके ऊपर केतु यहाँ पर रहता है और यदि आप व्यर्थ के विवादों में किसी के पढ़ेंगे तो काफ़ी कोर्ट कचहरी या इन तरह इस तरह की परेशानियों से भी जूझ सकते हैं हालांकि यह स्थिति आपके शत्रुओं से फिर भी आपको बचाएगी लेकिन इस तरह की परेशानियों में बिल्कुल आप ना पढ़ें ना हाथ डालें तो दोस्तों इस तरह का ये फल जो था वो मैंने आपको बताया तृतीय भाव में केतु का रहना लेकिन इससे अधिक भी जानकारी आप ले सकते हैं और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा हमारे नंबर पर अधिक जानकारी के लिए कुंडी की प्रोड प्रोडिक्शन के लिए और एनालिसिस के लिए आ, साथ में दोस्तों ग्रह शांति करवाने के लिए या फिर और भी अधिक फल जानने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर रेमेडीज जानने के लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर के हम आपके प्रश्नों का बहुभाति और अच्छे तरीके से आपको जवाब देंगे तो दोस्तों आपको जो भी जानना है अधिक उसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर संपर्क करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए तब तक के लिए जय श्री कृष्णा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो